हाय फ्रेंड्स, आई हमारे राम कुमार। मैं आपको आज क्लास 8 का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। आई वंडर्ड का मतलब होता है मुझे आश्चर्य है। क्या होगा? मुझे आश्चर्य है। देखिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पोएम है, पढ़ते हैं। आई वंडर्ड व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। आई मतलब मैं, वंडर्ड मतलब आश्चर्य है, आई वंडर्ड मुझे आश्चर्य होता है, वाई मतलब क्यों, द ग्रास मतलब घास, इज मतलब है, ग्रीन मतलब हरा। इसका मतलब हुआ मुझे आश्चर्य होता है कि घास हरे क्यों होते हैं। एंड मतलब और, वाई मतलब क्यों, द विंड मतलब हवाएं, इज मतलब हैं, नेवर मतलब कभी नहीं, सीन मतलब देखे जाते हैं, मतलब आई एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, और हवाएं क्यों नहीं दिखाई देती हैं। हु मतलब कौन, टॉट मतलब सिखाता है, हु टॉट द बर्ड्स पक्षियों को टू बिल्ड अ नेस्ट, और पक्षियों को कौन घोंसला बनाना सिखाता है। एंड मतलब और, टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और कौन पेड़ को आराम करना सिखलाता है या बताता है। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। ओ व्हेन मतलब होता है जब या कब। ओ व्हेन द मून इज, द मून मतलब चांद, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, क्वाइट मतलब पूरा, राउंड मतलब गोल। बोल रहा है व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, बोल रहा है जब चांद पूरा गोल नहीं होता। वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड, तो उनका वो मिसिंग टुकड़ा, जो टुकड़ा नहीं है, वो कहाँ मिल सकता है या कहाँ हो सकता है। हु लाइट्स द स्टार्स, और बोल रहा है जो कौन सितारे को प्रकाश देता है। व्हेन दे ब्लो आउट, जब वे बुझ जाते हैं। व्हेन दे ब्लो आउट का मतलब होता है बुझ जाना। एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, और कौन अचानक प्रकाश, और क्यों अचानक प्रकाशमय हो जाता है। हु पेंट द रेनबो इन द स्काई, और बोल रहा है हु मतलब कौन, पेंट्स मतलब होता है रंगना, द रेनबो मतलब इन द स्काई मतलब आकाश में। बोल रहा है हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, मतलब इंद्रधनुष को कौन मतलब आकाश में रंगता है। एंड हैंग इन द फुलफिल क्लाउड सो है, और कौन इतने ऊपर ये छोटे मोटे हल्के फुल्के बादलों को लटकाता है। वाई इज इट नो, वाई मतलब क्यों, इज मतलब है, इट नो टू यू सपोज, क्या तुम जानते हो, डैट वॉन्ट टेल मी, अगर इफ ही नोज, क्या तुम जानते हो, अगर पिता जानते भी होंगे तो वे हमें नहीं बताएंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।